अपना तेंदुए रहते हैं, ऊपर चढ़े होते हैं, पता ही नहीं लगता। तो कमेंट में यस लिखना और सपोर्ट जरूर करना। भालू है, मेरी हालत खराब। हेलो जी, क्या हाल? सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में नई कैंपिंग वीडियो के साथ। घर से मैं निकल चुका हूँ भाई साहब, वेट इतना भयंकर है। जब भर रहा था ना उस टाइम पता नहीं चला था, लेकिन अब जब ले जा रहा हूँ ना, ओ भाई साहब, जान हाथ में आ रही है। तो सीन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना एकदम कोरा कोरा लग रहा है ऊपर, और नीचे एकदम धूप है, वो देखो। तो घर से अभी मैं काफ़ी दूर आ रखा हूँ और रास्ता भी बहुत लंबा है, तो चलते हैं हम यहाँ से। मैं अभी यहाँ से जा ही रहा था और सीन क्या हुआ कि मेरे को कुछ दिखा वहाँ भयंकर, और मैं डर गया। ये साइड ये काला काला दिख रहा होगा ना आपको, आई थिंक दिखे आपको ये वाला इस साइड। ओ भाई, वो बकरियाँ हैं, मुझे लगा भालू है। मेरी हालत ख़राब कसम से। और अभी ऊपर जाना, हमने ऊपर भी लोगों ने बैल छोड़ रखे हैं, तो वो नीचे आएंगे और हम ऊपर जा रहे हैं। तो जी, मैंने बताया था ना शुरू में वीडियो में कि लोगों ने बैल छोड़ रखे हैं यहाँ पे, वो चल रहे हैं आराम से। अब उनका घर जाने का टाइम हो गया, वहीं से सीधा नीचे 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 जिस रास्ते से मैं आया वो वहाँ से सीधा घर चले जाएंगे। तो अभी मैंने जाना ऊपर। तो गाइस, आजकल गेंगारू बहुत लग रखे हैं, ये देखो पहाड़ी से। मैंने ज़्यादातर वीडियो में गेंगारू दिखाए हैं आपको, बड़े टेस्टी होते हैं यार ये पहाड़ी सेब भी, मतलब एकदम सेब की तरह होते हैं, अंदर बीज भी रहता है इनके। जितने लाल लाल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे गेंगारू है, ये देखो। तो अभी ना खाते मीठे हो रहे हैं, बढ़िया।
ये काफी घना रास्ता है, ये कुछ दिख ही नहीं रहा कैसे जाना है, क्योंकि तो यहाँ बहुत कम आते हैं लोग, लगभग लगभग माँ ऐसे समझ लो कोई नहीं आता। रास्ते में पूरे मकड़े के जाले हैं। ओ भाई साहब, हाँ डन। तो जी अपना कैंप लग गया है मस्त ढंग से, ये चेक करो। और सीन में दिखाता हूँ आपको यहाँ का, ये देखो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है यार अभी, तो ये सीन देखो है ना, गजब, चारों तरफ से जंगल ही जंगल, ज़्यादा यहाँ बांज के पेड़ है और देवदार और चीड़ के पेड़ थोड़ा थोड़ा है, और ऊपर का सीन भाई क्या गजब है ना, बहुत सही। ओ भयंकर, वहाँ देखो एक गुफा भी है उधर उस साइड, कोई जानवरों की गुफा होगी, हो कोई ना कोई रहता होगा वहाँ, कोई ऐसा जानवर। तो अब क्या सिस्टम करते हैं कि बहुत भूख लगी, बहुत चल रही है, तो अब खाना बनाते हैं, खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है यार। तो गाइस बनाते हैं कुछ नया ताजा, भाई बहुत भूख लग गई यार, ये निकल जा भाई। तो सबसे पहले सिस्टम ऐसा करते हैं, ये निकला हमारा ब्यूटेन, तो सबसे पहले ये डालते हैं पानी, और इसमें डालेंगे अंडे, तो जी अपने अंडे हो गए। बचा कुचा पानी फेंक दो, तो पहले इनको छीलते हैं फिर आगे। तो ये हो रही है प्याज की कटिंग, और ये अब टमाटर। तो एक बार फिर से ब्यूटेन ऑन करते हैं, ये सही जुगाड़ है।
नीचे से हवा आ रही है लेकिन ये गल जाएगा यार ढक्कन, ऐसा रखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा पानी आ गया है, हवा इसके नीचे की तरफ जा रही है। ये सही है, तो ये डाल रहे हैं इसमें तेल और तेल गर्म होने के बाद ये डालेंगे हम बीन्स थोड़ी सी, तो ये डालेंगे हम इसमें बीन्स। इसमें टमाटर पड़ गया तेल के छींटे उतर गया। तो जी बीन्स भी हो गए, ये डालता हूँ इसमें टमाटर और प्याज कट्ठे। तो इसमें मैंने नमक भी मिला दिया है ताकि प्याज और टमाटर जल्दी से गल जाए। तो अपने टमाटर वगैरह भी गल चुके हैं ढंग से, इसमें डालते हैं हम मैगी। तो ये जितना भी मैगी का पैकेट और ये अंडे के छिलके थे ना, ये सब इसमें डाल के, यहाँ गंदा नहीं करना, ये सब मैंने साथ वापस ले जाना। जल्दबाजी में मैगी भी बहुत टेस्ट लगती है जब भूख लगती है। तो यूँ ख़त्म करते हैं। तो जी खाना खा लिया, पेट भर गया और अब धूप भी आ गई, और यहाँ मतलब अभी ना वो ऊपर बादल थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि भाई अंधेरा पड़ने वाला है। मतलब मैं आया था 2:30 बजे, 2:30 बजे मैं नीचे था, तो ऐसा लग रहा था भाई साहब 3 या 4 बज गए। बड़ा गजब सीन था, ऐसे पेड़ों पे ना तेंदुए रहते हैं, मतलब चढ़ ऊपर चढ़े होते हैं पता ही नहीं लगता भाई साहब कि तेंदुए ऊपर है। और मैं अपना टेंट का नज़ारा बताता हूँ आपको क्या सीन है। वो देखो वो सामने टेंट लगा पड़ा, और ये कुछ इस तरह का व्यू है ना, बढ़िया मस्त लग रहा है भाई साहब, यहाँ से देखने में ना कितना बढ़िया लग रहा है। तो जी बैग पैक कर लिया, निकलते हैं यहाँ से जल्दी, कोई घर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि आ जा भाई कहाँ रह गया, बोल गया था कि शाम तक आ जाऊँगा, तो चलता हूँ यहाँ से। उन्हें फिक्र रहती है क्योंकि आजकल बाग सिस्टम भी है, बाग वाला सिस्टम। तो चलो
तो जी अभी मैं नीचे आ गया। हाँ तो मैं एक बात सोच रहा था कि मैं एक चैलेंज लूँ 1 हफ्ते का, कि आजकल चैलेंज वाला सीन ज़्यादा चल रहा है। 1 हफ्ते का मैं इन पहाड़ियों पे अपना कैंप लगाऊं, और ये देखो जितने ना, ये देखो ये सीन, सब पहाड़ी नापूं मैं। और मैं चाहता भी हूँ ना कि जितनी, मतलब हर इस दुनिया में जितनी पहाड़ियाँ ना, मैं सब पे अपना पाँव का निशान छोड़ूं। तो अगर 1 हफ्ते का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूं, आप एग्री हो तो कमेंट पे यस लिखना और सपोर्ट जरूर करना, ठीक है? आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी तो अगर आप सपोर्ट करोगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो क्या पता चैलेंज वाली हो जाए 1 हफ्ते का। तो ठीक है, वीडियो में इतना ही अभी ले। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।